11.4 में आपके पास है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड द वर्टेक्सेस एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। ये सारी चीज़ आपके पास गिवन है बेटा, निकालनी है। सॉरी 11.4 अगर किसी को ना देखे बता देना बेटा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर 1, ये हमारे पास है। तो बेटा इसमें कहा जा रहा है कि आप करें सभी चीज़ें निकालो, ठीक है। चलिए इस पर वन बाय वन आते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़े इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यानी कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है थोड़ा उस तरह का बनाइए। तो ये जो आपके पास है इस 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। प्यारे बच्चों आप ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद अब अगर इसको आप कंपेयर करेंगे कि ये अगर इसको हम सिंपल ये बोलें, ठीक है जी, तो हाइपर जिस हिसाब से आपको दिख रहा है, जिस हिसाब का ये हाइपरबोला आपको दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है कि ये हाइपरबोला है, ये एक्स एक्सिस की तरफ बनने वाला है। तो द हाइपरबोला ऑन द एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस, ये हाइपरबोला एक्सिस के अलोंग बनने वाला है। यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो इसको मान लो आपने ऐसे फर्स्ट मान लिया, इसको आपने सेकंड मान लिया। अब यहाँ लिख दो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें यानी पहले वाले और दूसरे वाले को भी, तो प्यारे बच्चों आपको ए मिल जाएगा 4 और बी मिल जाएगा 3। ए बराबर आपको मिल जाएगा 4 और बी बराबर आपको मिल जाएगा 3, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपको फोकाई भी निकालना है और एक आध चीज़ और निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, सी स्क्वायर। ए जो आपके पास है प्यारे बच्चों, ए आपके पास 4 है, बी के आपके पास 3 यानी सी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर। बढ़िया आ जाएगा आपका 25 बराबर सी स्क्वायर, अंडर रूट 25 बराबर सी। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो बेटा सी जो आ गया 5 आ गया आपके पास। तो बेटा सी की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। अब देखो बेटा जो वन बाय वन जो हमें ना जो सारी चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। अब बेटा जो फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, जो फोकाई है, तो जो फोकाई के यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस का अलोंग बनने वाला है, तो इसलिए बेटा है ना क्या करेंगे बेटा हम प्लस माइनस सी और 0, ठीक है जी। बेटा यहाँ पर जो सी की वैल्यू आ रही है ना वो 5 आ रही है, तो 5 और 0 आप कर दोगे। और प्यारे बच्चों और हमें कह रहा है कि एंड द वर्टेक्सेस, ठीक है जी। तो वर्टेक्सेस का मतलब, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्सेस में सिर्फ एक ही आएगा जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वर्टेक्सेस, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक बात करें हम जो वर्टेक्सेस में बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बन रहा है एक्स एक्सिस पर, इसलिए प्लस माइनस ए और 0, ठीक है। तो देखो बेटा ए की वैल्यू क्या आई थी, ए क्या बेटे 4 ना, तो प्लस माइनस 4 और 0 बेटा। इसके बाद हमें कह रहा है एसेंट्रिसिटी, नंबर 3 हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी, यानी ई बराबर सी अपॉन में ए। देखो बेटा जो हमारे पास सी है वो 5 है और ए है 4, है ना, जो भी आप निकाल लेना डिवाइड कर लेना। तो बेसिकली देखो जो सी ई की वैल्यू आएगी यहाँ पर हाइपरबोला में, ई की वैल्यू जो है 1 से बड़ी आती है, तो 4 का डिवाइड 5 में करोगे आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा। बट अगर आगे बात करें, हमें कहा गया है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, तो आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। एल बराबर क्या होगा 2b² / a, 2 इंटू जो b² है बेटा, b² आपके पास कितना है
तीन है, कितना भी तीन ना, तीन इंटू तीन बेटे एक, कितना आपके पास चार है, ठीक है, टू बार जाएगा इन नाइन बाई टू आ जाएगा। सर चार चीज़ में निकालनी है गिनती की, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आपके सामने उठाऊँ इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी कुछ इस तरह का ही है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 27 बराबर 1, ठीक है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले इसको आप प्लस और सॉल्व करिए, यानी वाई स्क्वायर जो 9 है, आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 27 है ना, थोड़ा सा आपको 27 को मतलब फैक्टराइज जब करोगे तो सर 27 क्या लिखोगे आप, 3√3 का स्क्वायर है ना, 3 × 9 है ना, अच्छा 9 × 27 बराबर 1 आ जाएगा ना, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि जो हाइपरबोला है कि दो तरह की इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, या तो इस तरह की बनेगी, या आप लोग जानते हो कि वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, ये बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर वाला पार्ट आगे आ रहा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों हम समझ गए हैं कि ये जो है ये बनेगा वाई एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इस तरह आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी माफी चाहते, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। इसको पहला इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा मान लो। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो बता देना, कलर कम ज़्यादा दिख रहा हो तो, ठीक है। अगर कंपेयर करें तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूँ बेटा, है ना, तो आप देख रहे होंगे यानी कि जो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 3√3 ना, तो ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर आ जाएगा 3√3। ए 3 आ गया, बी आ गया 3√3, क्या हो गया, क्या चीज, हाँ बोले बोले, हाँ फॉर्मूला सही लगाया है, हा? हाँ नहीं नहीं बताइए आप, आता आपके मुद्दे पे बताइए, ये जो है ना ये आपका एक्स एक्सिस वाला नहीं है ना, हाँ हाँ किसमें, इस किसमें, नहीं इसमें थोड़े ना, तो कहा था मैंने, हाँ अच्छा ये गुरु, ये इसमें नहीं गुरु, उसमें नहीं, हाँ 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 थोड़ा सा वो मिक्स मत करिए, हाँ जी जी चलिए। तो हाँ बेटा, और क्या निकालना हमें, सी, तो प्यारे बच्चों आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं बराबर सी स्क्वायर, अगर तो अगर आपको सी निकालना है ना बेटा, तो सी तो चाहिए हमें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो बेटे क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 27, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ऐड करो कितना आएगा 36 बराबर सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा √36 बराबर सी, तो बेटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी ना 6। प्यारे बच्चों आपको सभी चीज़ वही चीज़ें निकालनी है, वो थोड़ा चेंज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सवाल ही चेंज है, तो इक्वेशन भी चेंज है, इसलिए थोड़ा बहुत सब कुछ चेंज हो जाएगा हमारे पास। जब बात करेगा हम फोकाई की, तो जरा हम फोकाई निकालेंगे, ठीक है, तो सर थोड़ा उल्टा हो जाएगा 0 ± c, ठीक है, कि थोड़ा ये वाई का लॉन्ग बनने वाला है, ये इस तरह बन रहा होगा हमारा, तो देखो बेटा प्लस माइनस सी, सी क्या बेटा आपके पास 6 नंबर, एक नंबर दो बेटा बात करें, ठीक है वर्टेक्स 6, ठीक है, तो यहाँ जो वर्टेक्स आने वाला है बेटा वही 0 ± a, बट जो ए की वैल्यू है प्लस माइनस 3 है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर बात करें
नेक्स्ट की अगर आपको ए निकालना है, ए बराबर सी अपॉन में ए, बेटा सी कितना आपके पास 6 अपॉन में ए कितना आया बेटा 2 आया। अगर क्या निकालना है आपको लेटर सेक्टम यानी एल बराबर, तो लेटर सेक्टम यानी एल बराबर 2b² अपॉन में ए 2, जो b की वैल्यू आई है बेटा 3√3 × 3√3 अपॉन में ए, ए कितना बेटा 3, 3 से 3 चले गया आपका प्यारे बच्चों आपका बचा 2 × 3 और √3 × √3 3, तो क्या था बेटा 3 × 6 18 यूनिट ना, जो भी है 4 से निकालने ना, और कुछ निकालना है इसमें नहीं, ठीक है इसको लिखो। इसका मान लो इसका तीसरा पार्ट करा रहा हूँ मैं, तो 9y² - 4x² = 36, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या चीज़ है कि अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाओ। तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है जी, यार मैंने कहा मान लो 3x² + 4x² = 12 लिखा मान लो, ठीक है जी, और सॉरी मान लो ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, x² + y² = कुछ भी लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया मैंने, 6x² - y² = 5 लिख दिया मैंने। गौतम जी 3 इक्वेशन हैं, इनमें से कौन सी इलिप्स की है, कौन सी सर्कल की है, कौन सी इलिप्स की है और कौन सी हाइपरबोला की है, या हो सकते कोई एक आधी क्या बच गया पैराबोला है ना, कौन सी पैराबोला की है, सबसे ऊपर वाली इलिप्स की है, सबसे ऊपर वाली इलिप्स की है, या आपने इलिप्स की बोल दिया, ठीक है, नहीं नहीं आप सिंपल इलिप्स बोल दो, वो कोई दिक्कत नहीं, कम दिख रहा है, कहाँ से नहीं दिख रहा, तो बोलना चाहिए ना, हाँ ये x² + y² है, हाँ बताइए इसे दिख रहा है, ये और खत्म, ये और खत्म है, हाँ सर्कल की है, हाँ चलो मैंने ऐसे कर दिया भाई, मान लो मैंने 8 लगा दिया यहाँ पर, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, अभी सर्कल की है ये 8 8 9, ये तब नहीं है, अच्छा आइए हाँ कुछ भी हो 6 से लो, 8 मैंने 7 कर दिया मान लो, क्या पता नहीं, बता भाई बताइए जरा बताइए। तो मैंने आप लोगों को आप लोगों में पहले ये समझाया था, ये जो मैंने आपको एक छोटी सी PDF फाइल भेजी थी बेटा, मैंने उसको उसमें कहा था, उसमें कुछ चीज़ें लिख बातें गहरी बातें लिखी हुई थी और आपको लगा कि वो नॉर्मल सूत्र है, तो बेटा उसमें लिखा हुआ था कि सर अगर मेरे पास मान लो उसमें एक चीज़ ये लिखा गया था, अगर कहीं भी से मान लो x² इज्जत बात करें स्क्वायर की, तो मान लो अगर x² y² मान लो कोई भी क्वेश्चन है x² + y + 5 या x + y² + 6, अगर वो x या y दोनों में से किसी एक के पास, x या y दोनों में से किसी एक के पास आपको स्क्वायर दिखता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली बात तो ये है, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो सर्कल हो, इन सब की जो इक्वेशन होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सब में पावर दो दो आएगी आएगी, सब में इस मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी वो दो होगी। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है पर y की नहीं है, यहाँ पर x की नहीं है पर y की है,
जब आपको ऐसे दिखे तो वो इस केस में वो इक्वेशन किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है भाई, वो पैराबोला की हो सकती है। बताओ पैराबोला तो ऐसे आता है, वाई स्क्वायर बराबर कभी 4ax या 4ax बराबर वाई स्क्वायर है ना, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो वो इक्वेशन हमारी किसकी हो सकती है, पैराबोला की, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें कि सर जिसे मैंने कहा 3x2 जब 3x बात जब हम बात करते हैं सर्कल की, तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है सर आपने बोल दिया x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर आपका आर स्क्वायर, ऐसे को लिखते हो आप एलवी में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये बराबर एक लिखते हो सर, स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, मतलब अगर कभी आपके पास ये तो चलो उनकी जनरल ये तो उनकी होती है एकदम जनरल वाली फॉर्म, पर अगर कभी इक्वेशन आ जाए कोई 3x² प्लस 4y² बराबर 9, अब मैंने बोल दिया 3x² प्लस 3y² बराबर कुछ भी लिख दिया मैंने, अब क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर दोनों के ऊपर हैं तो ये पैराबोला की इक्वेशन तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर दो केस बचे, पैराबोला की इक्वेशन हो नहीं सकती, ठीक है बात करें या तो इलिप्स की होगी, ठीक है जी, या हाइपरबोला की होगी या सर्कल की होगी। अब सर हाइपरबोला की भी नहीं हो सकती, ये इलिप्स की इक्वेशन, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन इसलिए सॉरी माफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन इसलिए नहीं हो सकती कि यहां पर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन इसलिए नहीं हो सकती कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन माइनस आता है, आपको माइनस आएगा तो ये हाइपरबोला की क्वेश्चन नहीं हो सकती, तो हाइपरबोला भी हट गया, बचा इलिप्स और सर्कल। देखो सर्कल की इक्वेशन में ये कहा जाता है कि जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट होते हैं जो उनके साथ आने वाले होते हैं वो बेटा सेम होने चाहिए या वन होने चाहिए, वन बोला सेम होने, जैसे यहां बात करें यहां पर एक्स वाई के साथ 3 आ रहा है, वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो अगर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल की इक्वेशन है। आप चाहे बोलो ऐसे, आप अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी लिखा हुआ है हमें नहीं मतलब यार, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर एक्स के साथ भी एक है वाई के साथ भी एक है, ये सर्कल की इक्वेशन है, यहां पर एक्स के साथ भी 3 है वाई के साथ भी 3 है, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, और यहाँ पर x के साथ और y के साथ के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, अब बीच में प्लस का साइन भी है, तो ये आपकी क्या होगी इलिप्स की इक्वेशन होगी। और मान लो अगर मैं ऐसे लिखता 3x² माने 4y² बराबर 9 कुछ भी, तो आप आंखें बंद करके बोलते हैं ये यहाँ पर बोला कि क्वेश्चन है, ठीक है सर। ये चीज़ें मैं आपको लिखी थी, आप अभी कौन बोल रहे थे, रावत जी आप बोल रहे थे ना कि क्या चीज़, वो तो आपने सूत्र भेजे थे, कहाँ के रावत जी आप, रात रावत जी बोल रहे थे ना, आपने सूत्र भेजे थे है ना, एक बार रावत जी उसको ध्यान देना, क्योंकि रावत जी यही चीज़ है ना बारी में, यही ग्यारहवीं का ज्ञान, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना वहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है रावत जी आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ है ना इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव ये ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव भी आपके वही है, टॉपिक आ जाएगा आपके पास ना, बस ख़त्म क्लास आपको जाना है, आज नहीं है कितने बजे, आज भी अच्छे से टेस्ट किसका चालू हो गया, करो चालू करो, ओए चालू करते रहो, और क्या अच्छा आए नहीं, हाँ कोई नहीं, हाँ जी ये ना, तो देखो बेटा अगर बात करें इसकी, क्योंकि बेटा यहाँ पर ना बीच में आ रहा है माइनस, तो देखो बेटा बीच में माइनस आ रहा है तो हमें क्लियर ये एकदम दिख रहा है कि वही चैप्टर हमारा चल रहा है इलिप्स का ही है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाओ, प्रॉपर मतलब अपॉन वाले फॉर्म में लाओ ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, अगर मान लो एग्जाम आ गया करें सॉल्व करो है ना, तो पहले को प्रॉपर फॉर्म में लाओ यार, तो प्रॉपर फॉर्म मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और क्योंकि मुझे यहाँ पर वन चाहिए बेटा, एक काम करो पूरे को 26 क्या किससे 36 की डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी 36 से, तो कितने आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में
चार एक्स स्क्वायर अपॉन में नौ और कितना आ जाएगा ये एक आ जाएगा। सबको 36 से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पर एक बचे, क्यों सारे कटे जी, यहाँ पर क्या बचे एक बचे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई। अब ये चार बता भाई साइन चार किसका स्क्वायर है, दो को साइन बताएगा भाई, सब साइन में बनो। और नौ किसका स्क्वायर है, तीन का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देना है। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन है, तो एक तो ये बन गया, क्यों हमें दिख रहा है कि वाई वाला पहले आ रहा है, एक्स वाला बाद में आ रहा है, तो अगर वाई वाला पहले आ जाए तो इक्वेशन उस टाइम हमारे ऐसे बन जाएगी। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो ये बनेगा ना, तो फॉर्मूला होता हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर एक। तो यहां से बड़े कंपेयर कर, यहां भी वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, कंपेयर करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तीन हो जाएगी। यानी बेटा यहां पर ए बराबर दो और बी बराबर तीन आ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है हाइपरबोला के अंदर, है ना। तो ए ए तेरे पास दो है, बी तुम्हारे पास तीन है, सी हमें निकालना है। तो अगर दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ बराबर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा तेरह बराबर सी स्क्वायर। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट तेरह। अब हमें सब कुछ निकालना है भाई, निकाल लेना। अब क्या क्या चाहिए आपको, आपको एक तो फोकाई चाहिए भाई। तो बेटा एक चीज ध्यान दियो, जब भी तुम्हें लगे कि वाई स्क्वायर आगे आया है, वाई स्क्वायर आगे आया और एक्स स्क्वायर पीछे आया है, तो उस केस में जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे होने वाले हैं जीरो प्लस माइनस सी, तो जीरो प्लस माइनस सी, क्योंकि सी जो आपके पास आया कितना आया रूट तेरह, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है वर्टेक्सेस, है ना। तो वर्टेक्सेस हो जाएंगे हमारे पास जीरो प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस जो ए हमारे पास आया कितना आया दो आया। उसके बाद हमें निकालना है क्या चीज, है ना, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन में ए। सब कुछ तो बेटा सब कुछ तो हमें दिया हुआ है। ई जो हमारे पास है बेटा, ई क्या हमारे पास ये तो निकालना ही ना, सी क्या बड़ा हमारे पास सी रूट तेरा, ए कितना है दो। बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी कितना बेटा तीन है ना, थ्री इंटू थ्री, और ए कितना है दो, नाइन आ जाएगा, ठीक है सर। ये चार चीजें निकालनी है बस, आप गिनती के आपको। तो ये अच्छा वाई स्क्वायर वाला पहले आया है तो आपको ये यूज करना है भाई, यानी जो फोकाई वो प्लस माइनस सी हो जाएगा, जो वर्टेक्स है वो जीरो प्लस माइनस ए हो जाएंगे, और ई और एल, ई और लेंथ मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई का फॉर्मूला यही होगा हमेशा, सी अपॉन में ए और टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये दिमाग में बैठा लो अपने, कि इलिप्स में भी यही यूज हो रहे थे हमारे सेम फॉर्मूले दो, ये आप दिमाग बैठा लो अपने सही से। देखो अगर हम आगे बढ़े तो आगे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 से 15 के बारे में क्या बोला गया है। यहां पर कभी ये बोलना चाहते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग साइज 7 to 15 इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन, वहां पर बोला हमें यहां पर बोला कि इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मैं सातों उठाता हूं, सातों क्या बोल रहा है, वर्टेक्सेस आपको दी है, आपको वर्टेक्सेस क्या दिए प्लस माइनस दो और जीरो, और फोकाई क्या दिया हुआ आपको प्लस माइनस तीन और जीरो, ये दिया हुआ बेटा, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपको दिख रहा है, देखो ये है, तो अब यहां पर ये बात करें कि यहां पर वर्टेक्सेस जो है ना प्लस माइनस दो और जीरो, यानी कि ये पहला वाला होता है समझो एक्स, और दूसरा वाला होता है वाई की वैल्यू, ये एक्स ये वाई, ये एक्स वाई। तो यहां पर एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, वाई की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है जीरो दी हुई है। इसका मतलब जो हमारे पास की जो पैरा
हाइपरबोला है उसके दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो हाइपरबोला है कि ये वाली है ना, और एक इक्वेशन हाइपरबोला कि ये वाली है, दो इक्वेशन हाइपरबोला की। अब कैसे पता करें कि ये वाला लगाएं ये वाला यूज करें, क्योंकि भाई यहां पर हमें एक्स वाला पहले दिया हुआ है, यहां पर वाई वाले की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब एक चीज देख, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो, वाई वाले की वैल्यू आ रही थी ना, तो वाई वाले की वैल्यू आ रही थी इसलिए वाई वाले पहले लिखा था हमने। यहां पर एक्स वाले की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये यहां पर हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का, यानी ये बनेगा एक्स वाई के अलोंग, सॉरी एक्स का अलोंग बनने वाला है, ये ऐसे बनने वाला यहां पर बोला है। थोड़ा सा आप ना थोड़ा पीछे हो जाइए, तो आप दोनों बच्चे ना, हाँ, ताकि बीच में रास्ता आ सके। जी नमस्ते बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है, जो ए है ना, वो जो ए है बेटा वो कितना हमारे पास, दो, और जो सी कितना है, तीन। अब ए भी है सी भी है, और हमें यहाँ पर बोला कि क्वेश्चन निकालनी है, तो उसके लिए क्या अच्छे हमें, सूरज भाई गुप्ता जी, ए भी है सी भी है, तो यहाँ पर बोला कि इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें, अब बी चाहिए भैया। तो कैसे निकलेगा बी, किसका यूज करना हमें, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का। तो सूरज भाई, ए मतलब दो का स्क्वायर, बी मतलब मुझे पता नहीं है, सी मतलब किसका स्क्वायर, तीन का, इसे बेटा वहां भेज देना। तो तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नौ, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी पांच लिख, मैं कह रहा पांच ही, तू बोलेगा भैया बी नहीं निकाल रहे, क्यों, हमें इक्वेशन निकालनी ना, तो कुछ फायदा नहीं है, मतलब बी बी की वैल्यू मत निकालो, बी स्क्वायर की आ चुकी है। अब मुझे बताएं इक्वेशन निकाले, तो मुझे पता ये वाली इक्वेशन यूज होने वाली है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर कितना, एक, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, तो बेटा ए क्या था, दो, दो का स्क्वायर, बी क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, पूरे बी स्क्वायर की ही, जो पूरा बी स्क्वायर है ना, यहाँ तक दो की वैल्यू निकालनी मैंने, तो पूरा बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, पाँच बराबर एक, तो दो का स्क्वायर कितना आएगा, चार, वाई स्क्वायर या कितना आ जाएगा, पाँच बराबर एक, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, लगभग लगभग सारे सवाल ऐसे ही हैं, सातवां, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, आप लोग ऐसे लगा लेंगे आराम से, ठीक है जी। जैसे अगर मैं उठाऊँ बेटे क्वेश्चन नंबर टेंथ, ठीक है, सवाल नंबर दस में क्या बोल रहा बेटा, ये कि फोकाई आपको दिया हो बेटा, जो आपको फोकाई दिया हुआ है, ठीक है जी, वो आपको फोकाई दिया है प्लस माइनस पाँच और जीरो, और द ट्रांसवर्सल एक्सिस ऑफ लेंथ, ट्रांसवर्सल एक्सिस की लंबाई दी हुई है, यानी टू ए क्या दिया हुआ है, आठ। तो मतलब थोड़ा आपके साथ ऐसे मजाक कर रहा है, है ना ये। अब जरा एक बार आप बताएंगे, फिर से बताएंगे, साहिल कठेत जी, क्या नाम आपका, साहिल कठेत, साहिल भाई एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, और एक फॉर्मूला है ये, दिख रहा है दोनों को फर्क, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, नहीं 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 गुरु गुरु समझो, ये पापा है, ये कौन है पापा, और वाई वाले समझो मम्मी, तो यहां पर पापा पहले आए हैं, या मम्मी बाद में, यहां पर कौन है, मम्मी पहले या पापा बाद में, ये ट्रम्प छोटा बड़ा मत देखो, ये खिलाड़ी लोग हैं, इनके बाद ये फंसा देते हैं, तुम फंस जाते हो, इनके बाद ध्यान देना, ये तो आईआईटी के मैथ पढ़ते हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ी मैथ, इतनी बड़ी पता नहीं चलता आपको, हाँ जी जी ठीक है, इनको छोड़ दो आप, यहाँ कौन पहले आ रहा है, पापा पहले, कौन, हाँ यहाँ कौन पहले, वही कोई, अरे समझाना गुरु, समझ जाएगा, अच्छा रहेगा, सबके पापा यार, है ना, यहाँ कौन पहले आ रहा है, मम्मी पहले आ रही है, तो अगर जब पापा पहले आते हैं, है ना, तो यानी पापा मतलब एक्स पहले आ रहा है ना, अब यहाँ देख, समझिए है एक्स वाला, ये कौन है, समझ, पहले वाला एक्स है, पहले वाला कौन सा है, और दूसरा वाला कौन सा है, वाई, तो यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ मतलब यानी एक्स पहले आ रहा है, यहाँ पर एक्स मतलब पापा पहले आ रहे हैं, ठीक है जी, तो पापा पहले आ रहे हैं, यानी एक्स, तो ये वाला हमारे यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा पक्का, ये समझ जाओ, ठीक है, पहले मतलब ये लिख देता हूँ मैं, चलो यार पापा पहले आ रहे हैं तो लिख दो भाई, ठीक है भाई ये लिख दो, ठीक है, ये आ गया। अब
देख मेरे भाई, क्योंकि उसने कहा था ना जो ट्रांसवर्सल एक्सिस उसकी लंबाई ये है, है ना, 2a = 8। यहाँ देख लीजिए गौतम जी आप, तो ए कितना आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा 4, ए 4 आ जाएगा। अभी जहां पर फोकाई लिखा होता है, फोकाई हम उसको बोलते, तो मैं पहले बोल रहा हूं पहले वाला एक्स है दूसरा वाला वाई है, होने के लिए तो वो एक्स ही है, पर एक्चुअल उसकी वैल्यू उसको सी बोलेंगे, फोकाई के साथ जो आता है वो होता हमारा सी। ये देखना भाई यहां फोकाई लिखा है ना, ठीक है जी, तो ये सी है ना बेटा, तो सी होता वो, ठीक है, तो सी क्या तेरे पास 5। अब ए भी है सी भी है, तो ए सी, अब मुझे बी चाहिए ना, क्यों भाई इक्वेशन बनाने तो मुझे बी चाहिए, तो ये फॉर्मूला है ना जो अभी बताता ये वाला, कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना सी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मेरे भाई ए स्क्वायर आपके पास हो है प्यारे बच्चों, ए क्या बेटा आपके पास 4 है ना, 4 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैसे रहें, तो फिलहाल सी कितना बेटा 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो काम करो बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वहाँ भेज देना कितना आ जाएगा 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, पूरी मामला खत्म करो आप, ठीक है। अब भाई फॉर्म में रख ले एक्स स्क्वायर, बता बेटा साहिल ए की वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू 4 आई ना, तो यानी 4 आई थी फॉर्मूला ये यूज हो रहा है ना बेटा, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बी की वैल्यू नहीं आई, मैंने बी स्क्वायर की निकाल दी, ठीक है जी, हाँ बराबर कितना है 1, ठीक है। तो देख भाई, अच्छा बी स्क्वायर ना, सॉरी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटा 9 आई है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर 1, ठीक है भाई, है ना। कुछ इसमें देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, अच्छा अभी दो चार हो रहे हैं, तो बेटा हमको लास्ट करा रहा हूँ ये मान के चलो आप। तो प्यारे बच्चों जैसे बात करें कि हम, मैं आप कराऊँ 15 कराऊँ बेटा आपको, ठीक है जी, क्या कराऊँ मैं 15 बेटा, 15 आपको ना फोकाई दिया हुआ बेटा, बेटा फोकाई क्या दिया हुआ है 0 प्लस माइनस रूट क्या 10, और पासिंग थ्रो, पास कहाँ से हो रहा है बेटा, ये 2 और 3 से पास हो रहा है, 2 और 3 नाम के पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब देख मेरे भाई यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोकाई आपको इस तरह दिया हुआ है, तो यानी प्यारे बच्चों अगर बात करें, यानी हमारे पास सी है ना, जो सी की वैल्यू है वो क्या बेटा रूट 10 है, सी कितना है रूट 10। तो अब उसने जो उसने आपको फोकाई दे दिया ना, फोकाई दे के उसने आपको समझो क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, है ना, क्यों फोकाई आ रहा है प्लस, तो भाई हमारे पास दो इक्वेशन यहां पर हाइपरबोला के, दो इक्वेशन है, या तो यूज होने वाली ये है ना, या यूज होने वाली है ये, दोनों में से कोई एक दी यूज होगी, बताइए साहिल जी कौन सी लगता है आपको, ये यूज होगी ये वाली यूज होगी। देखो एक्स मतलब पापा पहले आए, तो यहां पर तो पापा आए, पर यहां पापा आए नहीं, यहां पापा आए पापा धोखा दे गए, यहां वाई, यहां मम्मी आई है, यहां है ना, मतलब ठीक है जी, मम्मी मतलब वाई है ना, तो मम्मी यहां पर है, तो यहां मम्मी पहले आई, यहां मम्मी है, तो यानी ये वाली लगने वाली है, कौन सी वाली, ये वाले बेटा, ठीक है जी। आप समझो यानी यहां पर जो यूज करोगे आप, ये वाले फॉर्मूला यहां पर यूज करोगे, y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब मेरे भाई वो कह रहा है कि क्या चीज, अब उसने आपको y और x दोनों की वैल्यू उठा के दे दिया सर, तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या निकालना बेटा, ये पास कहां से हो रहा है बेटा 2 और 3 से, सर 2 और 3 से पास हो रहा है, तो यानी तो बेटा जिसकी वैल्यू है 3 है ना, तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी दी आपको है ना 3 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स वैल्यू क्या बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा 9 अपॉन में ए स्क्वायर माने 4 अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, तो बड़े काम करो इसे यहाँ यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 4
ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, कह रहे बच्चों इसको ना फर्स्ट मान लो, और आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर बटे एक। तो बेटा आपके पास ये कितना है, सी कितना बेटा, रूट दस है ना। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, दस, इसको नंबर दो मान लो। अब अगर मैं इन पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखूं, कोशिश करो थोड़ा इसको सही फॉर्म में लिखो, मान लो ये मेरे पास है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दस है मेरे पास। अगर आगे पीछे हो रहा है तो माने चार ए स्क्वायर प्लस नौ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। तो एक काम कर लो बच्चों, क्या करोगे, अगर हम प्यारे बच्चों मान लो अगर इसको हम किससे गुणा कर दें, चार से, तो हो जाएगा चार ए स्क्वायर प्लस चार बी स्क्वायर बराबर चालीस, माने चार ए स्क्वायर प्लस नौ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल प्लस माइनस, बट कितना आ जाएगा ये, नौ तेरह, तेरह बी स्क्वायर, नौ चार तेरह ना, बराबर ऐड करोगे ना, ऐड करो क्या हो जाएगा गुरु, चालीस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो गुरु दिक्कत नहीं आ जाएगी, इसको यहाँ, इसको यहाँ ले आओ, अगर हम पूरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड कर दें कुछ फायदा मिलेगा, यहां से बेटा तेरह बी स्क्वायर वैल्यू आ गई ना बेटा, यहां पे क्या कहते बेटे, यहाँ पे कहाँ पर, इधर मतलब किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दे फिर, चलो एक काम करते हैं, ऐसा करो यहाँ से ना आप बी स्क्वायर पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा चालीस प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यहाँ क्या क्या करो इसको तेरह लिया इसको है ना, और ये जो बी स्क्वायर के वैल्यू है ना, अच्छा यहाँ सॉरी नहीं, एक काम करो यहाँ दिक्कत जाएगा ना, कैसे कर दो आप, बी बी तो यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इसको आप ना मान लो इसको आप तीसरे क्वेश्चन अगर मान लेते हो दो मिनट के लिए है ना, आपके पास एक गिवन इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दस, तो यहाँ से ना बी को हटा दो आप दिख जाएगी, तो अगर आप बी स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो उसके जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, दस माइनस ए स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर के जगह आप दस माइनस ए स्क्वायर ले सकते हो, तो यहाँ पर जाएगा दस माइनस ए स्क्वायर चालीस, यहाँ पर क्या आ जाएगा दस माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये तो करना पड़ेगा आपको, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 130 हो जाएगा, माइनस तेरह ए स्क्वायर है ना। ठीक है बेटा, बराबर क्या आ जाएगा 40 प्लस 10 ए स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4। ठीक है जी, चलिए प्यारे बच्चों बेटे काम करो फिर, इसको ना सबको इस साइड ले आओ, प्रॉपर फॉर्म में ले आओ कि भैया ये आपका क्या है, आपको दिख रहा नहीं कि बेटा ये माइनस तेरह ए स्क्वायर है, माइनस दस ए स्क्वायर है, माइनस प्लस प्लस ई की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस 130 है ही, माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 0 है ना। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास
ये जो आ जाएगा ना बेटा माइनस का 3a² a की पावर 4, कितना बचेगा बेटे? 23. कितना? 23. ये अच्छा ऐड करना, ओहो सॉरी सॉरी है ना, a की पावर 4 क्या जाएगा? कितना बेटे? 90. चलिए सर बराबर 90. पहले इसको लिख दो, a की पावर 4 को माने 23 a की a स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0. अभी काम करो इसको, देखो है ना, इसको हम चाहे इसको इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख दो 23 a स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0. अब ऐसा मान लो, मान लो a स्क्वायर को मान लो p, मान लो क्या मान लिया आपने, p है ना, इसको p मान लिया हमने, a स्क्वायर को p मान लिया, तो ये हो जाएगा फिर p स्क्वायर माने 23 p प्लस 90 बराबर 0. ठीक है, बताइए फैक्टर करें 90 के, हो रहे हैं क्या क्या हो रहे हैं? 18 और 12, 5, 18 और 5, 18 पंजे 90. इसको हमने इस कॉल को p मान लिया ना, तो 18 पंजे 90 ना, 18 पंजे 90. चलिए तो बट क्या कॉमन दोनों आएगा, p कॉमन आ जाएगा, p माइनस 18, दोनों में माइनस का 5 कॉमन, p माइनस 18 बराबर 0. तो बेटा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा p माइनस 5, एक आएगा p माइनस 18 बराबर 0. तो p बराबर 5 और p बराबर 18. भाई तेरी तो दो दो वैल्यू आ रही है यार, अब एक भी दो दो वैल्यू, वो उसके दो दो वैल्यू, क्या करें? चलो देख लेते. तो हमने a स्क्वायर को क्या माना था? p माना था. तो a स्क्वायर को p, हाँ गुरु तुमने ऐसे एक बोले माइनस का ही, एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ गुरु सही, 18 90 ना, गुरु एक बार देख लेते हैं. नहीं गुरु ये सही है, या तो यहाँ देख लेना गुरु, अगर कैलकुलेशन फिलहाल कैलकुलेशन कोई दिक्कत है बताओ भाई, देख लेना इधर कहीं आप जोड़ घटाना में है ना, देख लो आप, अगर दिख जाए तो फिर बता देना, देख लेंगे फिर. तो ए जो पी है ना बेटा, तो एक आया 5, ठीक है जी, तो एक कितना आया बेटा? 18 आया ना, एक आया 18. अच्छा ये है ना ए स्क्वायर. अच्छा फिर बी भी निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर बेटा क्या था? 10 माइनस ए स्क्वायर ना, 10 माइनस ए स्क्वायर क्या था बेटा? 5. तो क्या जाएगा ये? 5. एक तो ये आ जाएगा, यहाँ पर वही बी स्क्वायर बराबर क्या? 10 माइनस ए स्क्वायर. तो 10 माइनस ए स्क्वायर क्या बेटा? 18. हाँ ये नहीं होगी ना, अब बोलो गुरु तू, ये कितनी आ गई? माइनस 8. ये नहीं होगी गुरु, ठीक है. फिर इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे है ना. तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन में, यही वाली है ना? नहीं ये नहीं है ना, ये वाई स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर बराबर 1. तो ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 और बी स्क्वायर की वैल्यू 5 1 आ जाएगी. तो गुरु ये वाली नहीं लेनी हमें, ये आपका बी स्क्वायर निगेटिव में आ गया है तो ये नहीं आएगी, ये हमारी क्वेश्चन आ गई बेटा, ठीक है जी.